हेलो, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर जी के बारे में। श्री चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चंद्रशेखर जी का एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो जो कि मैंने लगाया है। तो देखिए, सब कोई जानता है कि चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो उनका जन्मदिवस 1 जुलाई 1927 को हुआ था और उनका मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुआ था। देहावसान 8 जुलाई 2007 को हुआ था। वो एक भारतीय नेता थे, ये तो सब कोई जानता है, और वो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। मतलब ये तो सबको पता है कि वो प्रधानमंत्री थे, बट उनका नंबर क्या था, तो ये 8वां नंबर था। और वो भारत का नेतृत्व उन्होंने किया था 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, मीन्स 7 महीने तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो सबसे पहले हम उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ, एक गरीब परिवार में, मतलब कह सकते हैं किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। कोई बहुत बड़े ज़मींदार परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, बहुत ही मतलब छोटे, बहुत ही मझौले किसान के परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो उनका गांव का नाम इब्राहिम पट्टी था और वो बलिया के थे। बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो चंद्रशेखर जी हैं, वो पॉलिटिक्स की ओर अट्रैक्ट हुए अपने मतलब शुरुआती दिनों में ही, मतलब जब वो स्टूडेंट थे तभी अट्रैक्ट हो गए वो। और वो एक फायर ब्रांड आइडियलिस्ट थे, मीन्स वो एक थे कि समाज को कैसे बदला जाए, एकदम मतलब अपनी बातों को एकदम कड़क रखते थे वो, एकदम फायर ब्रांड थे। विद अ रिवॉल्यूशनरी फर्वर, मैंने जो भी यहाँ पर लिखा है वो मैंने खुद से नहीं लिखा है, बल्कि एक साइट है pmindia.com, मीन्स उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं। मैंने ये टोटल जो भी मैंने यहाँ पर राइटिंग्स लिखे है, एक शब्द मैंने खुद से नहीं लिखा, टोटल वहाँ का से मैंने कॉपी किया है। इसलिए मैं ये कुछ भी खुद से नहीं बता रहा हूँ। अगर उनके बारे में अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा राजकमल बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो वो एक क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। एंड वो बैचलर हुए, मीन्स वो बीकॉम, अपना बीए उन्होंने कंप्लीट किया सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से। सतीश चंद्र पीजी कॉलेज मुझे ऐसा लग बलिया में ही होगा। और उन्होंने अपना एमए, मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। कब? तो 1950 में, मीन्स 1950 और 1951 बैच में उन्होंने कंप्लीट किया। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि वो काफ़ी, जब वो अपने कॉलेज के दिनों में थे तो अभी वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गए थे आचार्य नरेंद्र देव के प्रति, और उसके बाद से वो काफ़ी उनके साथ काम किया। और उसके बाद उनको बलिया का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यानी जिला सचिव चुना गया। किस पार्टी का? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, बलिया का जिला सचिव चुना गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। और एक साल के अंदर ही उनको पूरे राज्य का जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया, पूरे यूपी राज्य का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी। और इन 1955 to 56 और 1955 से 1956 के बीच उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पूरे राज्य का ये जनरल सेक्रेटरी चुना गया, मीन्स महासचिव चुना गया। मीन्स मुझे लगता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उसमें अध्यक्ष का पद नहीं होता था, बल्कि जनरल सेक्रेटरी का सबसे बड़ा पद होता था। तो जनरल सेक्रेटरी का स्टेट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यूपी जो यूनिट था उसका, उनको जनरल सेक्रेटरी पद के लिए चुना जाता है। और फिर से मैं बता दूं कि ये हैं आचार्य नरेंद्र देव का फ़ोटो है, जो कि एक महान समाजवादी नेता थे भारत के, और भारत का समाजवाद कह सकते हैं कि इन्हीं से स्टार्ट भी होता है। तो खैर, दूसरे किसी वीडियो में इनकी बायोग्राफी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके पार्लियामेंट्री लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री लाइफ इनका शुरू हुआ 3 अप्रैल 1962 से, जब ये राज्यसभा के लिए चुने गए यूपी से। और सबसे हैरानी की बात है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुने गए, मीन्स ये जब राज्यसभा के सदस्य चुने गए तब ये निर्दलीय चुने गए। किसी भी पार्टी से इनका मतलब किसी भी मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से तो ये थे ही, लेकिन ये इन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन किया था। और फिर से इनका जो टेन्योर था वो 2 अप्रैल 1968 को कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी बीच 1964 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से फिर से इनको रीइलेक्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर।
और 3 अप्रैल 1968 को फिर से चुना जाता है और फिर से इनका टेन्योर रहता है 1 अप्रैल 1974 तक। फिर से इनको तीसरा टेन्योर के लिए इनको चुना जाता है 3 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1980 तक। लेकिन इसी बीच इमरजेंसी देश में लग जाता है और वो रिज़ाइन कर देते हैं राज्यसभा एमपी के तौर पर 2 मार्च 1977 को। उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं बलिया से और बलिया से वो लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था तो वो कांग्रेस पार्टी के एक चुनिंदा सदस्यों मतलब कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे और वो फिर भी उनको सरकार ने उनको जेल में ठूस दिया, अरेस्ट किया और एक पटियाला जेल में मीन्स जो पंजाब में है पटियाला वहाँ पर उनको भेज दिया जेल में। और फिर से वो उनके काफ़ी उनका व्यक्तित्व था काफ़ी करेजियस थे काफ़ी कन्विंसिंग थे मीन्स वो किसी को भी जल्दी मना लेते थे और वो हरदम किसी भी समाज के लिए लड़ते थे। तो इसके लिए उनको यंग टर्क का भी उपाधि दिया गया। यंग टर्क मीन्स युवा तुर्क। देखिए युवा तुर्क उसे कहा जाता है जो आदमी बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है कि जो भी वर्तमान परिस्थिति जो भी समाज का उसे तुरंत बदला जाए। उस अगर जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि समाज की जो अभी वर्तमान परिस्थिति है वो अच्छा नहीं है और उसे तुरंत मतलब कि ऐसा नहीं कि 20 साल 50 साल 100 साल में बदला जाए, नहीं झट से बदला जाए, तो उसे यंग टर्क कहा जाता है। तो वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और कांग्रेस पार्टी के मेंबर रहते हुए ही वो उनको जेल भेज दिया गया। और वो हमेशा जो इंदिरा गांधी जी का जो कि एक सेंट्रलिज्म था कि हर पार्टी का एक ही मतलब पावर रहेगा एक ही मतलब केंद्रीय सत्ता रहेगा उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। और फिर से हम बात कर लेते हैं कि जब इमरजेंसी लगा तब वो जेल में ठूस दिया गया। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुआ तो काफ़ी पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और एक पार्टी का उन्होंने स्थापना किया जिसका नाम हुआ जनता पार्टी और उसके वो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और यही पार्टी नॉन कांग्रेस यही एक पार्टी है जो कि भारत में सरकार फॉर्म करती है और किसके लीडरशिप में तो मोरारजी देसाई के लीडरशिप में। और ये कब तक सरकार रहती है तो 1977 से 1979 के बीच में सरकार रहती है। लेकिन ये जो जनता पार्टी होती है वो 1980 का इलेक्शंस हार जाती है और 1980 का इलेक्शंस हार जाती है एंड 1984 का जो इंडियन जनरल इलेक्शंस होता है वहाँ पर तो इसका मतलब कि बहुत ही बुरा प्रदर्शन होता है और वो मात्र 10 सीट ही जीत पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर जी के बारे में हम बात करें तो चंद्रशेखर जी अपना सीट जो बलिया वाला होता है वो भी हार जाते हैं। किनके के वो उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था तो जगन्नाथ चौधरी, तो जगन्नाथ चौधरी से वो हार जाते हैं। लेकिन फिर अब हम बात कर लेते हैं कि जब वो राज्यसभा के सदस्य थे और जब वो कांग्रेस के मेंबर थे तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकालते थे वो वीकली न्यूज़पेपर साप्ताहिक यंग इंडियन के नाम से। खैर ये एडिशनल फैक्ट है आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 को तो उनको अरेस्ट किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स आप जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे इसके तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे, कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के वो मेंबर थे एंड वो वर्किंग कमेटी के भी मेंबर थे। और ये दोनों जो बॉडी है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और वर्किंग कमेटी ये दोनों बहुत ही हाईएस्ट बॉडी है इंटरनेशनल कांग्रेस के मीन्स कांग्रेस पार्टी का। और उन्होंने अपना जेल में रहते हुए एक डायरी भी लिखी है वो, तो उस डायरी को बाद में पब्लिश किया गया मेरी जेल डायरी के नाम से। जब वो जेल में थे तब उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ अपना किस्सा कहानी जेल के अंदर लिखे हैं वो, तो उसको बाद में पब्लिश किया गया मेरी जेल डायरी के नाम से। तो एक बुक है आप उसे ख़रीद भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। बाद में उन्होंने 1983 में उन्होंने एक बहुत बड़ा पदयात्रा निकाला मैराथन वॉक जो कि कन्याकुमारी से लेकर राजघाट दिल्ली, कन्याकुमारी कहाँ है तमिलनाडु, राजघाट न्यू दिल्ली में यानी बापू का जहाँ समाधि स्थल है उसको राजघाट कहा जाता है, तो वहाँ तक उन्होंने निकाला। 4,260 किलोमीटर का पदयात्रा उन्होंने की, इसके बीच हर राज्य को उन्होंने कवर किया, लाखों लोगों से मिले और एक तरीके से लोगों के प्रॉब्लम को उन्होंने देखा ज़मीनी स्तर पर। और फिर से उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया समाजवादी जनता पार्टी।
वो पॉलिटिकल पार्टी के से ही उन्होंने एट्थ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया 1990 और 1991 में। मीन्स वो जनता पार्टी के तौर पर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय के तौर पर उन्होंने, इस पार्टी के तौर पर उन्होंने एट्थ प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था। और इनका और इसी मत पार्टी के चुनाव चिन्ह तले वो अपने मरने के दिन तक यानी 8 जुलाई 2007 तक एमपी भी रहे थे। मीन्स 1990 से लेकर के 1989 से लेकर के 2007 तक इसी पार्टी से वो इसके ये रहे थे, एमपी रहे थे। खैर मैं बता दूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो केवल 7 महीने के थे, वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड है, मतलब चरण सिंह का पीरियड इनसे भी शॉर्ट था। और वो उनका जो पोर्टफोलियो था सरकार में, वो डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री भी अपने पास रखे थे, मीन्स रक्षा मंत्री भी वहीं थे सरकार के और गृह मंत्री भी वहीं थे। और हालांकि उनका जो सरकार था वो पूरा बजट नहीं पेश कर पाया था, पूरा बजट वो जबकि पेश कर पाता तब तक कांग्रेस ने उनके सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब कि राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद के जो भी सीताराम केसरी होंगे शायद, मुझे उतना परफेक्ट नहीं याद है, बट मैं बता दूं कि उनके 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 प्रधानमंत्रित्व काल में दो ऐसी क्राइसिस हुई थी जो कि भारत को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसे सदमा पहुंचा। एक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का मृत्यु हो गया, और दूसरा बैलेंस ऑफ क्राइसिस का संकट पैदा हो गया, भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व ना के बराबर हुआ। तो ये दो मतलब क्राइसिस थी जो कि चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व, छोटे से प्रधानमंत्रित्व काल के समय उनको देखने को मिला, जो काफ़ी मतलब कि वो चैलेंजिंग था वो उनके लिए। खैर हम बात कर लेते हैं उनके कैबिनेट के बारे में, तो उनका कैबिनेट, खैर 7 महीने का सरकार था तो कैबिनेट भी बड़ा नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री तो वहीं थे, लेकिन उनके सरकार में एक उप प्रधानमंत्री भी थे, उनका नाम था चौधरी देवीलाल। फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, जो आज भी हैं, आज के डेट में वो जुड़े हुए हैं टीएमसी से, और वाजपेयी सरकार में भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और होम मिनिस्टर भी चंद्रशेखर जी थे, और एक्सटर्नल मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ला थे, डिफेंस मिनिस्टर भी यहीं थे चंद्रशेखर जी, और रेलवे मिनिस्टर मशहूर समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा थे। फिर से लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं टेलीकॉम मिनिस्टर संजय सिंह, और ये लोग मंत्री था। खैर मैं बता दूं कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी शादी हुई थी दुर्गा देवी जी के साथ, और उनके दो बेटे हैं पंकज सिंह एंड नीरज सिंह, हालांकि इनका नाम पंकज शेखर और नीरज शेखर है। और उनकी मृत्यु, उनका देहावसान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 8 जुलाई 2007 को हुआ था, केवल 7 दिन के बाद, यानी वो अपना 80वां जन्मदिन जब मनाए थे उसके केवल 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके ऊपर लिखी गई ये हैं हरिवंश जी, जो हमारे देश के अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन पर लिखी उन पर इन्होंने एक किताब लिखा है, चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जिसका सबसे पहले कह सकते हैं कि उस किताब का विमोचन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया, और विपक्ष के नेता थे उस समय उन्होंने किया, गुलाम नबी आज़ाद जी ने किया। तो यही बुक था चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ये हरिवंश जी और रवि दत्त वाजपेयी ने मिलकर लिखा है, और उनका एक आत्मकथा है जिसे अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से खरीद कर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आत्मकथा मैंने लिखा जीवन जैसे जिया चंद्रशेखर। सो आपको ये बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता, हालांकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी जीवन की महत्वपूर्ण क्षण है जो कि छूट चुका है, मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकता इस शॉर्ट वीडियो में। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इस महामारी में बच के रहिए, मास्क पहन कर रहिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।